बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिटरेचर ऑनलाइन। आज हम करेंगे पीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए हम लोग कर रहे हैं ये सारी वीडियोस, और आज का है टॉपिक हैमलेट। शेक्सपियर का प्ले है हैमलेट। आज उसके प्लॉट और उसके जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं उसकी हम तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको प्लॉट बता देती हूँ ताकि क्वेश्चन को इधर उधर से मतलब आ भी जाता है इन क्वेश्चंस के अलावा, तो आपको अंडरस्टैंडिंग इतनी हो कि आप उसको सॉल्व कर सको। ठीक है, तो स्टोरी कुछ ऐसे है कि हैमलेट जो मेन कैरेक्टर है वो प्रिंस है, ठीक है, डेनमार्क में। ठीक है, ये अगर आपको सबसे पहले तो बात है आपको पता होना चाहिए कि प्ले का सेटअप कहाँ पे है, किस कंट्री से बिलोंग करता है करेक्टर्स और वो प्ले। ठीक है, तो ये डेनमार्क का है, हैमलेट प्रिंस है डेनमार्क का। और स्टोरी चलती है ऐसे कि एक वॉचमैन जो है, सोल्जर्स हैं बर्नार्डो, और बर्नार्डो जो है वो देखता है एक घोस्ट को कैसल के बाहर गलियों में। ठीक है, वो वहाँ पे देखता है तो वो बड़ा परेशान हो जाता है और वो जल्दी जल्दी जो है वो बुलाता है होरेशियो को। होरेशियो इज़ अ स्कॉलर एंड ऑल्सो अ फ्रेंड ऑफ हैमलेट। ठीक है, होरेशियो आ जाता है वहाँ पे, वो जो घोस्ट है वो है ओल्ड हैमलेट का, हु वॉज द किंग ऑफ डेनमार्क। ठीक है, हैमलेट का फादर द किंग एंड ओल्ड हैमलेट के नाम से इसमें जाना जाएगा, और वो घोस्ट भी है। ठीक है, वो आकर फिर होरेशियो आता है, होरेशियो कहता है कि ये तो कोई वार्निंग साइन है, ये हमें कुछ मैसेज देने आया है। हैमलेट को बुलाया जाता है, ओल्ड हैमलेट के आर्मर से पता चलता है कि ये ओल्ड हैमलेट है, ये किंग है हमारा ना। वो हैमलेट को बुलाते हैं, हैमलेट उससे बातचीत करता है खैर अकेले में, तो पता चलता है ओल्ड हैमलेट का घोस्ट उससे हैमलेट को ये बताने आया है अपने बेटे को कि मेरा मर्डर हुआ है, मेरी वैसे डेथ नहीं हुई है, तुम्हारा जो अंकल है क्लॉडियस, मतलब ओल्ड हैमलेट का जो भाई है, उसने मेरा मर्डर किया है। और दूसरी तरफ सीन ये चल रहा है कि जो क्लॉडियस है जो अब किंग बनने वाला है, वो ओल्ड हैमलेट की बीवी और जो ये यंग हैमलेट जूनियर है इसकी जो माँ है गर्टरूड, वो उससे शादी कर रहा है। ठीक है, हैमलेट इस बात से बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है और वो कहता है कि मेरी माँ ने मेरे जो फादर है उसकी डेथ के भी कोई इतनी रिस्पेक्ट नहीं की और उसको शादी की पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का सीन चल रहा है एक तरफ। और हैमलेट अब जो है वो रिवेंज लेने की कोशिश करेगा कि इसने मेरे फादर का मर्डर किया था तो आई विल किल हिम। ठीक है, ये वेंजियंस में सारा जो है वो प्ले है। बेसिकली द प्ले इज ऑल अबाउट रिवेंज। ठीक है, रिवेंज ले रहे हैं सभी। हैमलेट जो है वो अपने बाप के मर्डर का रिवेंज ले रहा है। दूसरी तरफ सीन चल रहा है हैमलेट का कि हैमलेट जो है वो पसंद करता है ओफेलिया को। ओफेलिया बेटी है प्लोनियस की। ठीक है, ओफेलिया का एक भाई है लार्टेस। प्लोनियस जो है वो चाहता है कि ओफेलिया शादी मत करे हैमलेट से। हैमलेट काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। ओफेलिया अपने बाप के कहने पर हैमलेट को इनकार कर देती है शादी से। ठीक है, और हैमलेट इस बात से भी बहुत ज़्यादा जो है वो दुखी हुआ हुआ है। ठीक है, डिसअपॉइंट हुआ हुआ है। दूसरी तरफ ये होता है कि जो प्लोनियस है ये करेक्टर काफ़ी अजीब सा कनिंग सा है। ठीक है, ये क्या करता है, ये अपने देखने के लिए कि हैमलेट पे क्या गुजरी क्या नहीं गुजरी, ये इस किस्म उसको काफ़ी ज़्यादा स्पाई करता होता है, उसके पीछे आगे रहता होता है। फिर जब हैमलेट जो है वो गर्टरूड से कॉन्फ्रंट करता है कि तुमने ये गलत किया है और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उस वक्त प्लोनियस पर्दे के पीछे खड़ा सुन रहा होता है। ठीक है, पर्दे के पीछे जो गर्टरूड के रूम में था वो प्लोनियस था। ठीक है, अब हैमलेट जब गर्टरूड अपनी माँ से कॉन्फ्रंट करता है तो प्लोनियस ये समझता कि शायद हैमलेट गर्टरूड को मारने लगा है। ठीक है, वो इतनी देर में कि वो उसको बचाने के लिए आता, वो कुछ आवाज़ आती, हैमलेट समझता है कि ये क्लॉडियस था पर्दे के पीछे। ठीक है, तो वो क्लॉडियस समझ के प्लोनियस को मार देता है। ठीक है, क्लॉडियस बच जाता है जिसको हैमलेट ने मारना था और प्लोनियस मर जाता है। अब ओफेलिया को जब पता चलता है कि उसके बाप का इस तरह से मर्डर हो गया है तो ओफेलिया जो है वो पागल हो जाती है। पागल होकर वो खैर डूब के मर जाती है, चुल्लू भर पानी में नहीं मरती लेकिन पानी में डूब के मर जाती है। ठीक है, अब इस तरफ चलेगा। अब प्लोनियस का बेटा और ओफेलिया का भाई जो लार्टेस जो फ्रांस में जा पढ़ रहा था, ठीक है, लार्टेस अब आता है रिवेंज लेने के लिए हैमलेट से। वो आके क्लॉडियस से पूछता है मेरे बाप के साथ इस तरह किसने किया, तो क्लॉडियस उसे बताता है इस सब के पीछे हैमलेट है। ठीक है, क्लॉडियस भी हैमलेट को मारना चाह रहा है, इधर से लार्टेस भी हैमलेट को मारना चाह रहा है। ओफेलिया ऑलरेडी मर गई है, प्लोनियस भी मर गया है, ओल्ड हैमलेट भी मर गया है। ठीक है, तो ये सारा कुछ रिवेंज के इर्द गिर्द चलता है। अब मैं आपको इसके कुछ करेक्टर्स बता देती हूँ। एक करेक्टर्स इसमें आएंगे रोजनक्रांट्स एंड गिल्डेनस्टर्न आएंगी। ये दो करेक्टर्स जो हैं ये हैमलेट के यूनिवर्सिटी फेलोज हैं। ठीक है, इन्होंने इसके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ा लेकिन ये काम कर रहे हैं इस वक्त, ये इंग्लैंड से आए हैं
क्लॉडियस के कहने पर कि ये हैमलेट पे नज़र रखें। और ये जब हैमलेट को लेकर जाते हैं, जब हैमलेट पोलोनियस को मर्डर कर देता है, तब क्लॉडियस इन रोजनक्रेंट्स एंड गिल्डेनस्टर्न के हाथ एक लेटर भेजता है इंग्लिश किंग को कि जब हैमलेट वहाँ पे आए तो इसको मार देना, ठीक है। लेकिन हैमलेट को पता चल जाता है इस सारी कॉन्स्पिरेसी का, और हैमलेट वो लेटर जो है वो चेंज कर देता है और उसमें उस लिख देता है कि ये जो रोजनक्रेंट्स एंड गिल्डेनस्टर्न है इन दोनों को मार देना है। तो इसलिए इंग्लैंड में जब ये पहुँचते हैं तो हैमलेट की बजाय इन दोनों का मर्डर हो जाता है, इनको मार दिया जाता है, ठीक है। एक तो ये हो गया। अच्छा, ये जो यूनिवर्सिटी जिसमें ये पढ़ते थे ये जर्मनी में है, यूनिवर्सिटी ऑफ विटनबर्ग, आपने नाम याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है एक करेक्टर, फोर्टीन ब्रैसा एक करेक्टर आता है, ये प्रिंस ऑफ नॉर्वे है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि किसकी करेक्टर स्टोरी जो है वो पैरेलल थी हैमलेट के साथ, इसके भी बाप को उसके रिश्तेदार ने मारा था जिस तरह हैमलेट के बाप को उसके भाई ने मारा है, तो वो फोर्टीन ब्रैस था। फोर्टीन ब्रैस इज़ द प्रिंस ऑफ नॉर्वे एंड हैमलेट इज़ द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, ठीक है। और फोर्टीन ब्रैस जो है इसके बाप को मारा था ओल्ड हैमलेट ने, हैमलेट के फादर ने, ठीक है। फिर आते हैं ग्रेव डिगर्स। ग्रेव डिगर्स का सीन तब आता है जब ओफेलिया की डेथ होती है, ठीक है। ओफेलिया की डेथ के दौरान ये दो ग्रेव डिगर्स जो हैं, ये क्लाउन, जो आपको पता है शेक्सपियर के प्लेज में क्लाउन बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं, क्लाउन ज़रूर होता है, तो ये क्लाउन का करेक्टर है जो ग्रेव डिगर्स हैं। देखो कहने को ग्रेव डिगर हैं, कब्रें खोद रहे हैं, लेकिन वो क्लाउन के लिए काम कर रहे हैं, मतलब वो मजाक कर रहे हैं वहाँ पे। ये किस तरह से, ये थोड़ा सा आप समझ लें कि हिस्टेरिकल और आयरॉनिक सा कुछ एक सिचुएशन जो शेक्सपियर क्रिएट करता है, ये वो वाली चीज़ है कि प्राइमरी एक ग्रेव डिगर होता है और एक असिस्टेंट ग्रेव डिगर होता है, दो होते हैं, ठीक है। फिर एक करेक्टर है ओस्ट्रेक, ये कोर्टियर होता है जो कि हैमलेट को लेकर जाता है कि चलो लैटस से तुम्हारी फाइट की जाए। लैटस जब यहाँ पे आता है तो लैटस जो है वो ये डिसाइड करता है क्लॉडियस वगैरह के साथ मिलके कि मैं इसके साथ एक डुअल करूँगा, मतलब एक फ़ाइट जो दो लोगों की होती है कि जिनमें से जो जीतेगा वो ज़िंदा रहेगा और दूसरा जो है वो मर जाता है, ठीक है। तो ये जो फाइट है ये लैटस और हैमलेट की होनी है, ठीक है। बर्नार्डो एंड मार्सेलस जो हैं वो सोल्जर वॉचमैन हैं और ये घोस्ट को सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। और जो प्ले, एक जिक्र आता है प्ले का कि इस प्ले के अंदर एक प्ले का सीन जो है वो शेक्सपियर ने डाला है कि हैमलेट जो है वो क्लॉडियस और गर्ट्रूड को करने के लिए, लोगों के सामने एक्सपोज करने के लिए उन दोनों को, हैमलेट जो है, ये जो ट्रैवल प्लेयर्स होते हैं जो जगह जगह पर जाकर अपना प्ले जो है वो प्रेजेंट करते होते हैं, ये उन दोनों को कहता है, उन प्लेयर्स को कहता है कि तुम लोगों ने एक स्टोरी जो है वो प्ले करनी है। वो स्टोरी जो होती है उसका स्टोरी है प्राइम एंड है क्यूबा की, लेकिन उसका जो प्ले का नाम है, जो हैमलेट कहता है प्ले करना है, उस प्ले का नाम है द डेथ ऑफ गोंजागो, ठीक है। प्ले का नाम जो है इसमें वो डेथ ऑफ गोंजागो है, उसमें जो स्टोरी है वो दो लोगों की है, उनका नाम है प्राइम एंड हेक्यूबा, और हैमलेट जो है वो इस स्टोरी को अपने अल्फाज में कहता है कि ये है माउस ट्रैप। माउस ट्रैप इसलिए कि ये देख के अपना कि हम लोग एक्सपोज हो गए हैं तो क्लॉडियस को इस तरह की हरकत करेगा कि जिसकी वजह से हैमलेट को उसके मारने का मौका मिल जाएगा। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड माउस ट्रैप बाय हैमलेट, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हैमलेट इज सेट इन डेनमार्क, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। हैमलेट इज़ अ प्रिंस, वो प्रिंस होता है, किंग नहीं है। ओल्ड हैमलेट वॉज अ किंग एंड दिस हैमलेट इज़ अ प्रिंस। हैमलेट स्टेप फादर इज ऑल्सो हिज अंकल, उसका स्टेप फादर क्लॉडियस है जो उसका अंकल भी था, ठीक है। क्लॉडियस ने पॉइजन किया हैमलेट को, ओल्ड हैमलेट को, ठीक है। द घोस्ट इन हैमलेट इज फर्स्ट स्पॉटेड आउटसाइड द कैसल, गलियों में मिला था, ठीक है। घोस्ट क्लेम्स ही इज, वो ओल्ड हैमलेट था, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। इन हिज फर्स्ट अपीयरेंस ऑन स्टेज हैमलेट इज़ वेयरिंग मॉर्निंग क्लोथ्स, अगर क्वेश्चन आता है तो उसने मॉर्निंग क्लोथ्स पहने हुए थे क्योंकि वो अपने बाप की डेथ का अफसोस कर रहा था। एंड हैमलेट क्लेम्स टू बी अफ्लिक्टेड बाय, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है उसको कोई स्किज़ोफ्रेनिया या कोई और इस तरह की बीमारी नहीं थी, ही वॉज मेलेंकोलिक, उदास था, ठीक है, परेशान था। हैमलेट्स फेमस स्पीचेज आर कॉल्ड सोलिलोक्वीज़, आप सबको पता है कि ये जो स्पीचेज हैं इनको सोलिलोक्वीज़ कहते हैं, ठीक है। What noise drives the ghost off stage? Cock's crow. Cock की आवाज़ आई थी जिसकी वजह से जो ghost है वो स्टेज से दूर चला गया था। And who has Hamlet professed love for? Hamlet पसंद करता था Ophelia को, ठीक है, जो Polonius की बेटी थी। Why are Rosencrantz and Guildenstern in Denmark? वो Hamlet को देखने आई थी कि वो इस तरह से act क्यों कर रहा है, जिसके लिए Polonius समझ रहा था कि वो Ophelia की rejection में इस तरह से mad हो रहा है, लेकिन Hamlet असल में mad क्यों था, वो इस तरह से क्यों show कर रहा था, react कर रहा था, क्योंकि उसको अपने बाप के murder का पता चल गया था, he has known the truth, ठीक है, behind his father's death.
एंड वेयर डज हैमलेट गो टू यूनिवर्सिटी, वो जर्मनी में गया था, यूनिवर्सिटी ऑफ विटनबर्ग. ठीक है. व्हाट रिलीजन वाज डेनमार्क एट टाइम ऑफ राइटिंग, जब शेक्सपियर ने ये प्ले लिखा है उस वक्त डेनमार्क में रिलीजन प्रोटेस्टेंट्स थे. ठीक है, नॉट कैथोलिक्स, नॉट एंग्लिकन्स, दे वर प्रोटेस्टेंट्स. ठीक है, आपने याद रखना है. वेयर डज हैमलेट से ओफीलिया शुड गो, वो कहता है कि ओफीलिया को ननरी में चले जाना चाहिए. ठीक है. हाउ डज ओफीलिया डाई, ड्राउन किया था उसने. ठीक है. वेयर डज द घोस्ट से ही वांडर्स, घोस्ट जो था वो परगेट्री में था. आप जब अपनी परगेशन करते हो, अपने आप को प्योरीफाई कर रहे होते, द घोस्ट वॉज प्योरीफाइंग हिज सोल. ठीक है. When the play begins, the castle is celebrating King Claudius की और Queen Gertrude की शादी हो रही होती है. ठीक है. Who survives the play? Horatio सर्वाइव करता है प्ले को. ठीक है. एक 14 ब्रेस करता है, Horatio करता है, और एक Osric करता है. ठीक है. लेकिन ज़्यादा ये Horatio का क्वेश्चन आता है. यंग 14 ब्रेस says he is invading, 14 ब्रेस जो है वो पोलैंड में इन्वेड करता है. ठीक है. ये नॉर्वे का प्रिंस है और ये पोलैंड को अटैक करना चाह रहा होता है. ठीक है. और वो करता भी है. हु सेव्स हैमलेट्स लाइफ, हैमलेट की लाइफ, जब हैमलेट को भेज दिया जाता है, उसे मार दिया जाता है, उसकी जो लाइफ बचाते हैं वो पायरेट्स बचाते हैं. ठीक है. अ ग्रुप ऑफ पायरेट्स सेव्ड हैमलेट्स लाइफ, जब उसको पॉइजन कर दिया जाता है हैमलेट को. एंड होम डज प्लोनियस सेंड टू फ्रांस टू स्पाई ऑन लर्टस, प्लोनियस अपने बेटे लर्टस पे स्पाई करने के लिए भेजता है रोनाल्डो को. ठीक है. नॉट रोनाल्डो, इट्स रेनाल्डो. ठीक है. एंड हाउ डिड क्लॉडियस मर्डर किंग हैमलेट, क्लॉडियस किस तरह से मारता है हैमलेट को, किंग हैमलेट को, उसके कान में पॉइजन, बाई पोरिंग पॉइजन इन टू हिज ईयर, ईयर में पॉइजन डालता है, आपने याद रखना है. हुज स्कल डज हैमलेट डिस्कवर इन चर्च यार्ड, चर्च में, जो चर्च यार्ड में हैमलेट को स्कल मिलता है, जेस्टर का, द फॉर्मर कोर्ट जेस्टर, जेस्टर का स्कल मिलता है. हु कैन नॉट सी द घोस्ट, सिर्फ गर्ट्रूड को घोस्ट नहीं दिखाई दिया, घोस्ट दिखाई देता है मार्सेलस को, Horatio को, और हैमलेट को, और बर्नार्डो को. ठीक है. गर्ट्रूड को घोस्ट नहीं दिखाई दिया. वेयर डज हैमलेट एंड लार्टस फाइट ड्यूरिंग ओफीलियाज फ्यूनरल, इनसाइड द ग्रेव, ओफीलिया के फ्यूनरल के दौरान लार्टस और हैमलेट कब्र के अंदर जाकर लड़ाई करते हैं. ठीक है. व्हाट डज हैमलेट क्लेम टू बी एबल टू टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हेन द विंड इज फ्रॉम द साउथ, ए हॉक एंड अ हैंड सॉ. ये आपने याद रखना है कि जब वो साउथ की तरफ से विंड आ रही है, हैमलेट किस तरह से उसको डिफरेंशिएट कर सकता है, ए हॉक एंड अ हैंड सॉ. ठीक है. इन हूज हिस्ट्री ऑफ डेनमार्क डिड शेक्सपियर फाइंड बैकग्राउंड मटीरियल फॉर दिस प्ले, किसकी हिस्ट्री को जो है वो शेक्सपियर ने हेल्प लिया इस रेफरेंस के लिए और इस इंस्पिरेशन जो इस प्ले के लिए, वो ली है सेक्सोग्रामेटिकस. आपने ये याद रखना है कि शेक्सपियर ने हैमलेट के लिए जो इंस्पिरेशन ली वो हिस्ट्री थी सेक्सोग्रामेटिकस. ठीक है. हुज स्टोरी डज हैमलेट आस्क द प्लेयर्स टू टेल अपॉन देयर अराइवल टू एल्सिनर, ये स्टोरी होती है प्राइम एंड हेक्यूबा की, लेकिन प्ले का नाम है द डेथ ऑफ गोंजागो. ठीक है, जिसको हैमलेट कहता है द माउस ट्रैप. अब कहते हैं हाउ मेनी करेक्टर्स डाई ड्यूरिंग द प्ले, 8 करेक्टर्स की डेथ हुई है, आपने याद रखना है. इस प्ले में हैमलेट में टोटल 8 करेक्टर्स की डेथ हुई है. हु स्पीक्स टू बी और नॉट टू बी, ऑब्वियसली हम सबको पता है हैमलेट ने कहा था ये. ठीक है. व्हाई डज हैमलेट डिसाइड नॉट टू किल क्लॉडियस आफ्टर द ट्रैवलिंग प्लेयर्स प्ले, जब वो प्लेयर्स जो हैं वो अपना प्ले जो है वो करके चले जाते हैं एक्ट आउट, तो क्लॉडियस जो हैमलेट है वो मारने जाता है क्लॉडियस को कि अब तो ये पकड़ा गया ना, इसका जो चोर था इसके अंदर वो पकड़ा गया, तो अब मैं इसे मारूंगा. तो जब वो जाता है तो वो मार नहीं सकता क्योंकि क्लॉडियस प्रे कर रहा होता है. ठीक है. Which character speaks the first line of the play? Bernardo, जो watchman होता है वहाँ पे, ex-soldier and watchman Bernardo जो होता है वो देखता है घोस्ट को और वो मतलब शोर मचाता है और वहीं से प्ले का स्टार्ट होता है. ठीक है. तो Bernardo ने पहली लाइन बोली थी. In which year Hamlet was written? 1601 में ये प्ले लिखा गया था, आपने याद रखना है. Hamlet was written in 1601. ठीक है. आई होप आपको समझ आ रही होगी. और इस तरह अगर आप ये छोटी छोटी सी वीडियोस देख लें और ये सारा कुछ कर रहे हैं तो आपको समझ आ जाएगी. मैं एमसीक्यूज की शेप में इसको इसलिए नहीं लिख रही हूँ और दे रही हूँ कि आपको मैं वैसे ही स्टोरी बता